प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को अहमदाबाद में एक विशेष कार्यक्रम में देश की पहली 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तब ये भारत के रेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहले वाराणसी और नई दिल्ली के बीच 16 कोच के साथ चलती थी, अब 20 कोच वाली हो गई है। देश की सबसे प्रशंसित हाई स्पीड ट्रेनों में से एक से अधिक क्षमता और उन्नत सुविधाओं के साथ इसका नियमित संचालन शुरू हो गया है। प्रयागराज में इस मौके पर नंदी ने कहा, 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के जुड़ने से न केवल नई दिल्ली वाराणसी जैसे प्रमुख मार्गों पर भीड़ कम होगी, बल्कि यात्रियों को अधिक आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। उन्होंने बढ़ी हुई ट्रेन क्षमता यात्रियों की बढ़ती मांगों को पूरा करेगी, खासकर पीक सीजन और त्योहारों के दौरान यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। जो हमारा तय समय है और बाढ़ या प्राकृतिक जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है उस चुनौती को बड़ी ही जिम्मेदारी से बहुत ही अच्छे तरीके से उससे निपटा जाए। तो हमारे अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, वो सब विदिन कंट्रोल है और सब कुछ व्यवस्थित है।